श्री भागवत भगवान की नयाल की इसको ना पापियों को Thank you.
सब सुखवारे भगत विनोद सखी सब सुखवारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. श्रीमद् भागवत कथामृतम की श्री गुरुपाद पद्म की ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तेरी नामी ने सर्वप्रथम में अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तुतश श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारी गण जो वृंदावन से आए हैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारी मठवासी और यहाँ के समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। आज अहो भाग्य हमारा जो गुरुदेव यहाँ पधारे, सुंदर दर्शन हुआ श्री गुरुदेव की। वास्तविकता में अभी जो इतना सुंदर आयोजन करने का जो हम सबने संकल्प लिया था एक महीना पूर्व, वर्षा ने थोड़ा सा विघ्न तो पैदा किया लेकिन वो कुछ ना कर सकी, क्योंकि उत्साह सभी भक्तों में पूर्ण है संतों का दर्शन गुरुदेव का दर्शन करने हेतु। तो भी आपसे निवेदन है कि आप यहां आए तो मास्क जरूर लगाएं। कारण उसका यह है नया वेरिएंट आया है। डॉक्टर्स का तो कहना यह है कि ये जो वेरिएंट है ये बिल्कुल ऐसा डोज की तरह ही काम करेगा, कोरोना को बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन तो भी हम कोरोना होने क्यों दें, इसलिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ये वेरिएंट खतरनाक ना भी हो तो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। यहां पर हमने रखे हुए हैं जो मास्क नहीं लाया मास्क लगाए, ठीक है। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस हम लोग कथा श्रवण करने के लिए क्यों आए। वास्तविकता यह है कि सद्गुरु परंपरा में सद्गुरु पाद आश्रय ग्रहण करके सुंदर तरीके से अपने आप को पहचानने के लिए हम यहां पर बारंबार आते हैं। अपना कल्याण हेतु हम सब जीवात्मा है, इसको जानते तो हैं पर मानते नहीं। संसार में हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर के करोड़ों करोड़ों दुख पा रहे हैं,
तो भी इस संसार से हमारे जाने की इच्छा नहीं होती। उसका कारण है कि हम भगवान से विमुख हैं। बहुत समय पहले से हम भगवान से विमुख होकर के इस माया के संसार को देख करके आकर्षित हो गए, और ये जो देहात्म बुद्धि हो गई है, इस शरीर को ही मैं मान बैठे हैं, इससे हमारी ये दुर्दशा हुई है। वास्तविकता में ये जो आत्मा है, ये सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का ही अंश होने के कारण उनके ही सुंदर गुण इसमें विद्यमान है। और भगवान नित्य धाम में रहते हैं, भगवान सनातन धाम में रहते हैं, इसीलिए जो हमारा उनसे संबंध है वह सनातन होने के कारण हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी सनातन धर्मी हम उस लोक के वासी होने पर भी ये भूल बैठे हैं कि हम भगवान के लोक के नहीं हैं। और इस संसार के जो यहां पर आकर्षण के केंद्र हैं, उनसे आकर्षित होकर के देहात्म बुद्धि बना करके कि हम ये आत्मा ना होकर के ये जो शरीर है इसको हम अपने आप को मान करके बैठे हैं। यही कारण है कि भगवान को भूल करके हम इस संसार की ओर धावित हुए, तो इस वजह से करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे हुए और ये बड़ी दुर्दशा की अवस्था होती है। तो भी भगवान बड़े करुणा वरुणाल्य है, और इस हेतु वो अपने निज जन को, गुरु वर्गों को यहां पर गुरुओं के रूप में यहां पर भेजते हैं। ऐसी शुद्ध गुरु परंपरा में हम सब अवस्थित हैं। जिस प्रकार से एक छोटी सी घटना महाराज श्री सुनाते हैं, उसी को मैं दोहरा देता हूं कि एक बार कुछ किसान गधे पर सामान लाद करके कहीं जा रहे थे पहाड़ों पर, और वहां पर जाकर के जब संध्या हो गई तो देखा कि आज तो यहीं पर हमें ठहरना होगा। और यहां जब देखा कि सारी सामान तो हम लाए हैं लेकिन गधे को बांधने की रस्सी लाना भूल गए। अब सोचने लगे कैसे करें, ये गधा तो सारा सामान लेकर के चला जाएगा या खुद चला जाएगा, तो हम कल कैसे यात्रा करेंगे। तो वहां पर देखा एक कुटी बनी हुई है, वहां पर एक साधु हरिनाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां जाकर के उन्होंने सोचा यहां पर रस्सी मिल जाएगी, महाराज श्री से पूछते हैं। तो उन्होंने जाकर प्रणाम किया, हे महाराज आपके पास कोई रस्सी है? तो मैं तो साधु हूं, मेरा रस्सी का क्या काम, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने बताया हम गधे के साथ आए हैं और गधे को बांधना चाहते हैं, रस्सी नहीं है। चिंता नहीं करो, गधे को क्या पता कि तुम रस्सी लाए हो या नहीं, तुम एक काम करो, गधे के जो गर्दन है उसके ऊपर से इस तरीके से हाथ फेरते हुए और नीचे खुंटी गाड़ दो, और ऐसा प्रतीत करो कि गांठ बांध रहे हैं, उस रस्सी को दिखाओ कि हमने रस्सी से बांध दिया, और कहना हमने बांध दिया, कहीं हिलना मत इधर से। बोला ठीक है महाराज। उन्होंने ऐसे ही किया, जाकर के हाथों से ऐसे दिखाया कि हमारे पास रस्सी है, और गधे के गर्दन पर ऐसे तीन बार हिला करके बांधा, और उससे फिर एक खुंटी में उसको ऐसे लपेट करके तीन चार गांठ मार दी और कहा गधे जाना मत, हमने तुझे बांध दिया। गधा भी वहां पूरी रात्रि खड़ा रहा। सुबह जब वो किसान उठे और सोचा चलो अब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर गधे पर सारा सामान लाद दिया फिर से और चलने लगे। उसको बड़ा हांका लेकिन वो चला नहीं, डंडियों से पीटा तो चला नहीं। अब तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, फिर वापस साधु की याद आई, साधु के पास गए, हे महाराज ये गधा तो चलता नहीं, आपने जो मंत्र दिया था हमने किया लेकिन ये चलता क्यों नहीं। कहा तुमने क्या किया था, हमने इसको बांधा था, बांधने क्या सिर्फ अभिनय किया था, और लेकिन हमने रस्सी से तो बांधा नहीं, तो चलता क्यों नहीं। कहा जब तुमने बांधा है, बांधने का तुमने अभिनय किया है, तो खोलने का भी अभिनय करो। उस गधे को थोड़ी पता है कि तुमने सच में बांधा है या झूठा बांधा है, जाकर के उसको खोलो।
तब उन्होंने वापस उल्टे ही तरीके से हाथ घुमाया, जैसे खोल रहे हो नीचे से भी और ऊपर से भी, तब वो गधा एक बार हांकने पर ही चल पड़ा। तो यही स्थिति हमारी है, हम भगवान को भूल करके बैठे हैं और शरीर को ही हम मानकर बैठे हैं, ये मैं हूं, इस वजह से ये सारा संसार, मेरा परिवार, ये सब कुछ मैं और मेरा परिवार यही मान करके बैठे हैं, जो कि इस आत्मा से इसका कोई सरोकार नहीं है। हमारा संबंध नित्य है, हमारा संबंध सनातन है। वो सनातन संबंध किससे है? वो कृष्ण भगवान से है, भगवान के निज गणों से है, राधा रानी से है। वो संबंध को हम भूल बैठे हैं, इसी कारण से इस संसार में हमारी दुर्दशा हो रही है। देखिए, आज प्रथम दिवस था और समय का भी हमारे पास अभाव है, क्योंकि 10 बजे से कर्फ्यू भी होगा। तो इस वजह से हम चाहते हैं कल से आप लोग ठीक 4:30 बजे आ जाएं और 4:30 से हम 7:30-8 तक कथा शेष कर पाए। उसके उपरांत यहाँ रोज भंडारा है, आप सबके सहयोग से उसको आप सब प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भक्ति लाभ करें। धन्यवाद। वांछा कल कृपा सिंधु देव चपति नाम पावने भी वैष्णव भी हो नमन। हरे कृष्णा ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन कलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदातौ सङ्कीर्तनैकभितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ विजयवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुम् स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण। सब बोलो कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है,
हम श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस व्यापी कथा श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए। विशेष करके जो साल है, हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, ये जो साल हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज कहते, ये दोनों का ये शतवार्षिकी महोत्सव है, 100 वर्ष उनकी पूर्ति हुई है। हम बहुत कोशिश कर रहे थे जैसे यहाँ पर आयोजन हो, लेकिन ये करुणा आकर के ये करने नहीं दिया है। इसलिए इस बार जो ये अनुष्ठान है, ये दोनों गुरु वर्गों का शतवार्षिकी उपलक्ष्य को करके हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। हम तो सोच रहे थे बहुत दूर दूर से वैष्णव लोगों को बुलाए यहाँ पर है, बहुत दूर दूर से बुलाए वैष्णव लोगों को, लेकिन कब होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर ये करुणा आ गया। फिर हाँ देखो, हम तो कोशिश करेंगे कुछ कुछ वैष्णव को बुलाने के लिए, कौन कौन आ पाते हैं हम देखेंगे इसमें कौन कौन आ पाते हैं। और लास्ट दिन भी कोशिश करेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए, क्योंकि ये रथ यात्रा भी करुणा को लेकर के कितना साल से नहीं हुई, दो साल से अगर ये साल हो जाए 3 साल हो जाएगी फिर है। इसलिए देखो जगन्नाथ जी की क्या कृपा हो, हाँ ठाकुर की क्या कृपा हो। इसलिए हम लोग वैष्णव लोगों को उद्देश्य करके ये महोत्सव को भागवत कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कहते जो ग्रंथ है इसका नाम है कहते ये श्रीमद् भागवत। तब श्री रूप गोस्वामी इसका 3 अर्थ बताए, बोले ये भागवत का तात्पर्य क्या है। बोले पहला तात्पर्य बोले भागवत प्रोक्तम इति भागवत। कहते भागवत ग्रंथ की इतने महिमा क्यों, सारा दुनिया में इसकी महिमा का की कारण क्या है। कहते ये सर्वप्रथम भगवान की मुखार बिंद से ही ये भागवत ग्रंथ निकला है। उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक रूप में प्रदान की, वही चतुश्लोकी का जो व्याख्या है कहते ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत। ये पहला अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, बोले भगवता नाम कथम इति भागवतम। कहते भागवत का तात्पर्य है केवल जिसमें भागवतों की कथा है, जिसमें केवल संतों की चरित्र है, जिसमें श्री नारद जी का कथा, ध्रुव महाराज जी कथा, परीक्षित महाराज जी कथा, अम्बरीश महाराज जी कथा, भरत महाराज जी कथा, जिसमें केवल बड़े बड़े संत महापुरुषों की कथा है और विशेष करके ब्रजवासियों की, और उसको अंदर में श्री सखाओं की, नंद जसोदा की और श्री ब्रज गोपियों की और श्रीमती विशेष करके श्री राधा रानी की महिमा श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, ए बच्चों बात मत करो, चुपचाप बैठो। ये बच्चों को इकट्ठे कर दिया ना, तो बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी अलग उनको बैठा दो। इसलिए कहते गुरुदेव कहते थे, साधारण लोगों का जो धारणा है ये भागवत कृष्ण परक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण की महिमा, लेकिन गुरुदेव कहते नहीं, ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं, ये भागवत जिसमें श्री विश्व भानु श्री राधा रानी की जिसमें महिमा है, क्योंकि ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्री मतलब श्री स्त्रिया श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम, जिसमें श्री राधा रानी की प्रेम की बात जिसमें हुई श्रीमद् भागवत। इसलिए गुरुदेव कहते थे उद्धव जैसे व्यक्ति भी, जिसने उद्धव कौन है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं बोले न तथा मे प्रियतम आत्मज्वनीर न शंकर। कृष्ण कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, बेटा की बात छोड़ दो, हरि हर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, कहते लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी की बात छोड़ दो, मेरे अभिन्न स्वरूप श्री दाऊ भैया बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं, बोले बलदेव प्रभु की बात छोड़ दो, मेरा भी इतना प्रिय नहीं तू जितने मेरे प्रिय हो। इसलिए उद्धव जी को
भक्तों की अंतिम छोर बताया गया है। इसलिए बोले पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब राधा रानी के प्रेम को देखा, देख कर उन्होंने क्या प्रार्थना किया, क्या कभी मेरे ऐसे सौभाग्य होगा श्री ब्रज वृंदावन में तृण गुल्म लसोधना, वृंदावन में कोई घास बन जाओ। बोले घास बनने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? बोले जब ब्रज गोपियां श्रृंगार करके कृष्ण के साथ में मिलने के लिए जाएगी, चल करके तो जाएगी ना, अगर मैं घास बन करके रहूंगा तो कम से कम उनकी चरण धूलि मिलेगा। बोले वहां पर औषधि वृक्ष बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कभी अगर बीमारी पड़ेंगे दवा तो लेना ही पड़ेगा, जब दवा को ग्रहण करेंगे उनकी हृदय में चला जाऊंगा। बोले वहां पर लता बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब प्रमद मदन लीला कंदरे कंदर ते, जब कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में कंदरा कंदरा में लीला करेंगे, अगर कुंज बन करके रहेंगे तो कम से कम उनका दर्शन हो जाएगा। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? श्री उद्धव जी। बोले राधा रानी की चरण की केवल एक धूल को वंदना कर रहे हैं। कहते वो किसी में ये महिमा है? कहते ये श्रीमद भागवत में। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं, ये श्रीमद भागवत जिसमें श्री राधा रानी की जिसमें महिमा है। बोले श्रीमती राधा रानी की। कोई जय कोई है बोल रहे हो? जोर से बोलो। बढ़िया प्रसाद तैयार, भूख लग गया तब तो बढ़िया प्रसाद खाओ। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते भागवत का दूसरा अर्थ होता है जिसमें भागवत, जिसमें श्री समस्त भक्त लोगों का महिमा है। बोले दूसरा अर्थ क्या है? बोले भगवता नाम कथाम इति भागवत। बोले भागवत में किसके कथा है? कहते हैं भक्त और एक भगवान, दोनों की कथा है। आप देखना भक्तों की कथा बोलो, भगवान के बगैर भक्तों की जीवन भी अधूरी है और भक्तों के बगैर भगवान भी अधूरा है। अगर कहीं भक्त का नाम आएगा ना, जरूर भगवान का नाम आएगा। अगर कहीं भगवान की नाम आएगी तो भक्तों के बगैर भगवान की अस्तित्व नहीं है। इसलिए जिसमें भक्त भगवान और श्री भगवान की मुंह से जो ये श्रीमद भागवत ग्रंथ निकली, इसलिए ये भागवत ग्रंथ की इतने महिमा है। इसलिए कहते हैं बोले भाति सर्वेश लोकेशो गियते नारदा दिवि वरिष्ठ सर्वशास्त्र चो तरणी च भवार्णवा। कहते ये भागवत में चार अक्षर है। बोले पहला अक्षर है भा। बोले भा मतलब क्या? बोले भाति सर्वेशु लोकेशु, जिसकी महिमा संपूर्ण लोक में जिसकी महिमा है। केवल ऐसे नहीं, हम ही ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जिस समय श्री चतुसन हरिद्वार में भागवत कथा करने जा रहे थे, उसी समय में कौन कौन लोग कथा सुनने के लिए आए? बोले केवल हम ही कथा सुन रहे, ऐसे बात नहीं। कहते ब्रह्म लोक से जितने बड़े बड़े ऋषि लोग भी आए, व्यास पराशर वशिष्ठ, जितने बड़े बड़े ऋषि लोग कथा सुनने के लिए आए, गया गंगा प्रभास पुष्कर अयोध्या मथुरा माया, ये सब के सब मूर्तिमान रूप लेकर के कथा सुनने के लिए आए। और जितने दंडकारण्य आदि, जितने जंगल भी सबके सब कथा सुनने के लिए आए। और जो आए नहीं, कहते श्री अगस्त जी घर घर में गए। बोले तुमको पता चला है ये चतुसन ये श्रीमद भागवत कथा कहाँ कर रहे हैं? बोले श्री हरिद्वार में कर रहे हैं, तुमको पता चला कि नहीं? चलो भैया जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। कहते ये करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है, तभी ये श्रीमद भागवत कथा सुनने की सौभाग्य प्राप्त होता है। चलो सबके सब कथा सुनने के लिए जाओ। इसलिए जिस समय श्री चतुसन कथा प्रारंभ करते हैं, स्वर्ग से देवता लोग भी पारिजात पुष्पों की बौछार करते हैं, दुंदु भी बजाते हैं, नगड़ा बजाते हैं और भागवत की जयकार देते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। बोले इसका तात्पर्य क्या है? अगर कहीं ये श्रीमद भागवत कथा हो
समस्त देवता लोग भी स्वर्ग से प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार करते हैं। हर कथा में समस्त देवा देवी भी आकर के बैठ करके कथा को सुनते हैं। एक संत कथा सुना रहे थे, कहीं भागवत कथा हो रही थी, कोई पैंडल था जिसमें भागवत कथा हो रही थी। एक संत दर्शन करने के लिए गया तो देखो एकदम पैंडल भरा, चकाचक भरा हुआ, बोले कौन कौन बैठे हुए, बल अलख्य रूप में समस्त देवता ऋषि मुनि सबके सब ये श्रीमद् भागवत कथा में, ये सबके सब ये कथा में बैठे हुए थे। हैं, इसका मतलब है भागवत कथा होने पर सबके सभी आ करके ऋषि मुनि भी ये कथाओं को श्रवण करते हैं। इसलिए इसका पहला अक्षर क्या है, बोले भा। भा मतलब होता है प्रकाश। दूसरे तरफ में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस अतः पिबन्तु सद्भाग्या। कहते जो श्रीमद् भागवत कथा है, बोले ये स्वर्ग लोक में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को मिलता नहीं। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते श्री ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं, अगर कहीं कथा हो तो कहते ब्रह्मा भी अपना ब्रह्माणी को साथ में कहां से, कहते ये ब्रह्मलोक से भी उतर करके ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, बोले कैलासे जहां श्री भोले बाबा रहते हैं वहां पर भी ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेधे भावना बिहारी, 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 सुनी ब्रह्मा लोग छोड़ करके आते हैं और शंकर भी कैलाश छोड़ करके आते हैं और गरुड़ भी वैकुंठ छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो हम लोग कितने भाग्यवान, देखो देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग लोग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए कहाँ छोड़ना पड़ा, कैलाश, और गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए कहाँ छोड़ना पड़ा, वैकुंठ। लेकिन हमारे बड़ौदावासियों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा है, कुछ घर वाले छोड़े हो, कोई नहीं छोड़े ना। जब ब्रह्मा जी कथा सुनने आते हैं कहां से, ब्रह्म लोक में, गरुड़ जब कथा सुनने आते हैं कहां से, वैकुंठ से, पता है कितना दूर, अरब खरब किलोमीटर दूर से कथा सुनने आते हैं। बोले क्यों, बोले उनको पता है ये कथा की कितने महत्व है, ये कथा की कितने महत्व है, जिस चीज के महत्व समझे ना उसको सुनने के लिए हम क्या करें, दूर दूर से कथा सुनने के लिए जाते हैं, हैं? दूर दूर से कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको पता है कथा की क्या महत्व है इसलिए कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो साधारण लोगों का जो भावना है ना, अरे ये कथा में क्या रखा हुआ है, ये कथा सुनने क्यों जाओ, बेकार चीज है, कोई जिसका काम धाम नहीं बैठ कर कथा सुनते हैं। अब ये बताओ अगर किसी के पास थोड़ी मोड़ी कोई पैसा हो जाए ना तो आएगा नहीं कथा में, वो तो कथा सुनने नहीं आएगा, बोले इस कथा में क्या रखा हुआ है। देखो परीक्षित महाराज से क्या बड़े हो, परीक्षित महाराज कौन थे, केवल भारत के राजा नहीं थे, मोदी तो अभी भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ये मोदी केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ये परीक्षित महाराज कौन थे, उसी समय में संपूर्ण चक्रवर्ती राजत्व, चक्रवर्ती मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राजत्व कर रहे थे, छोटे मोटे कोई थे, एरे गेरे कोई व्यक्ति नहीं थे परीक्षित महाराज।
संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के लिए आए। इसलिए श्री सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिए हैं, अगर किसी कोई छोटे मोटे कोई काम हो ना, अगर किसको बोलो कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया हमारे पास समय नहीं, छोटी मोटी कोई दुकान हो उसको। क्यों? हम कथा की महत्व नहीं समझते हैं। कथा क्या चीज है? ये कथा ही व्यथा का दूर करता है। कथा के बगैर व्यथा दूर होने का कोई उपाय नहीं। ये कथा ही असली व्यथा दूर करती है। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं? बोले तब कथा अमृतम ताप्त ही बना कथा की महत्व। श्री राधा रानी कथा की महत्व को कहती हैं। कृष्ण कथा में कितने महिमा है, कृष्ण कथा की क्या महत्व है। इसलिए राधा रानी कहती हैं कथा सुनने से सात लाभ होगा। कितना फायदा होगा? क्या क्या है? हाँ, पहला लाभ है, कहती ये कथा नहीं तब कथा अमृतम, कहते हे प्रभु तुम्हारी कथा नहीं वो अमृत है। इसलिए भागवत को क्या बताया? अमर कथा, जिसको शंकर जी स्वयं पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाए हैं। कौन सुनाए? जिस शंकर को घर घर में हम पूजा करते हैं, जिस शंकर जी को घर घर में पूजा करते हैं, जिस जगदम्बे जगत जननी को हम घर घर में पूजा करते हैं, वो बैठ कर कथा सुनती हैं। और सुनाते हैं कौन? शंकर जी स्वयं कथा सुनाते हैं, हैं? दुनिया जिसकी चरण की पूजा करते हैं वो कथा सुनाते हैं। मतलब ये कथा की इतने महत्व है, ये कथा सुनाते हैं और सुनती है पार्वती। इसलिए जो भास शब्द बताए, इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, कहते मेरे गुरु बृहस्पति जी ने मेरे को कथा सुनाए थे, एक कथा सुनाई। बोले क्या कथा सुनाए? जब ये विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर ने सृष्टि की, तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को उन्होंने सृष्टि की। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम है सृष्टि करना। बोले प्रभु सृष्टि करना ये राजगुण का काम है, ये राजगुण से मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले आप भी ये कथा को सुनो और सुनाओ। इसलिए सात दिन तक ब्रह्मा जी ये भागवत कथा को सुनते हैं। इतने में विष्णु आए, बोले प्रभु दुनिया को पालन कर सकता हूँ, लक्ष्मी को कैसे पालन करूं? बोले कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए नारायण जब कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितने दिन में कथा को विश्राम देते हैं? बोले एक महीना। अभी माता लक्ष्मी भी कथा सुनाती हैं। कौन सुनते हैं? नारायण भी बैठ कर कथा सुनते हैं, नारायण स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं। मतलब कथा की इतने महिमा है। नारायण भी कितना दिन लक्ष्मी सुनाती? बोले दो महीना। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से संहार कर सकता हूं, लेकिन ये तमोगुण का काम है। बोले ये तमोगुण से कैसे मुक्ति होगी? बोले कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब शंकर जी कथा सुनाते हैं, कितने दिन में कथा को विश्राम देते हैं? एक साल तक। क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है, इसलिए इतने सुंदर व्याख्या करते हैं, उनको भागवत समाप्त करने के लिए एक साल लग जाती है। अभी माँ पार्वती कथा सुनाती है। पार्वती कौन है? बोले वैष्णव। जब पार्वती कथा सुनाती है, कौन सुनते हैं कथा? शंकर जी। कितने साल में कथा को विश्राम देती है? दो साल। जिन देवताओं को घर घर में पूजा करते हैं, इसलिए जगत में इनकी इतने महिमा है, दिन रात भगवान की कथा सुनते और कथा सुनाते हैं। इसलिए जगत में इन लोगों का इतने महिमा है, सारा दुनिया जिनकी पूजा सेवा करती है। इसलिए ये कथा कोई साधारण वस्तु हे नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा नहीं ये कथा अमर कथा, जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्ति होगी। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, संसार में जितने दुख कष्ट है, अगर कोई कथा सुने तो
जीवन का समस्त दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कब कहते तप्त जीवनम, इसका प्रमाण देखो कथा में कितने शक्ति है, कैसे दुख कष्ट को हरण करता है। हम संसार में किसी ना किसी तरह से दुखी है कि नहीं, कोई तन से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। लेकिन जैसे यहाँ 2 घंटा 3 घंटा बैठे हुए, अभी कोई कष्ट की याद है, कोई घर की कथा याद तुम्हारी है, कोई याद नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है जो कथा में बैठे है ना, वो ठाकुर की गोद में बैठे हो, भगवान की गोद में तुम बैठे हो। जैसे कि माँ की गोद में जो बच्चा सो जाता है ना, निश्चिंत होकर सो जाता है, जानता है मैं मैया की गोद में सो रहा हूँ, मैया मेरे को रक्षा करेगी। उसी तरह जो कथा सुनते हैं वो ठाकुर की गोद में सोए हुए होते हैं। इसलिए भगवान की कथा से समस्त दुख दूर हो जाएगी, समस्त पाप दूर हो जाएगी। कथा सुनने से मंगल होगा, श्री संपत्ति सौंदर्य और महिमा बढ़ेगा, और उस कथा सुनने से समस्त बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन इस सबसे बड़ा दान किया है जो कथा को दान करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, इसलिए इसका पहला अक्षर है भा। बोले भाति सर्वेशु लोकेशु, बोले ग, ग मतलब होता है गियते नारद आदि भी, जिन कथाओं को बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिस कथा को गान करते हैं, हैं? नारद भी कथा सुनाते हैं, चतुसन भी कथा सुनाते हैं, सुखदेव भी कथा सुनाते हैं, और श्री परिखेति महाराज भी कथा, सारा दुनिया कथा कथा सुनाते हैं। इसलिए कहते हैं गियते नारद आदि भी, बोले ब मतलब होता है वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु। कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, समस्त शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ये श्रीमद् भागवत। इसलिए जिस समय श्री व्यास देव जी ने समस्त ग्रंथ को उन्होंने प्रणयन किया, लेकिन मन में शांति नहीं, दुखी होकर बैठे हुए थे। जीव कल्याण के लिए जब ग्रंथ लिखे, उनको शांति नहीं मिली। इतने में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारद जी आए, बोले व्यास लगता है तू दुखी हो। बोले गुरुजी आप सही नस पकड़ लिया है, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को रचना की, लेकिन वो मेरे को ही शांति नहीं मिलती है। जब मुझे ही शांति नहीं मिलती है, अगर ये कथा को जो सुनेगा उसको कैसे शांति मिलेगी। बोले गुरुजी कमी क्या मेरे समझ में नहीं आ रहे। बोले पूरा ही कमी है तुम्हारे अंदर, कमी क्या है। तुमने जो ग्रंथ रचना किया ना, जब शिव पुराण लिखा, शंकर जी को बोल दिया सतम शिवम सुंदरम, योगी योगी महायोगी, देव देव महादेव। अगर कोई शिव पुराण पढ़ ले ना, शंकर जी को छोड़कर किसी को पूजा ही नहीं करेगा। जब तुमने देवी है पुराण को लिखे, मैया देवी की सर्वश्रेष्ठ बोल दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ही सृष्टि होती। अगर देवी पुराण कोई पढ़ेगा ना, बोले भैया देवी से तो जगत में कोई बड़ी है ही नहीं। जहां तुमने गणेश जी की महिमा बताई, बोले अग्र पूजा तो गणेश जी को होनी चाहिए, तो सबसे बड़े हैं। जहां ब्रह्मा जी की महिमा बताई तुमने, बोले सृष्टि करता ब्रह्मा है। अगर ये ग्रंथ कोई पढ़ लेगा ना, वो पागल बन जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा क्या करे नहीं करे। लेकिन इस सब ग्रंथों पढ़ करके जीव का कोई कल्याण होने वाले नहीं। जब तो कहते ना, अगर शांति पाना चाहते हो, दूसरों को शांति दो तभी तो शांति मिलेगा, हैं? तभी तो शांति मिलेगा। ये ग्रंथ पढ़ करके इसको शांति मिलेगी नहीं, हैं? शांति इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है।
बोले गुरु जी कमी पता नहीं चल रहा है, इसलिए गुरु तो ज्ञान देते हैं ना, बोले गुकार अंधकार अथवात रुकार तस्य निरोधक, इसलिए गुरु जी के बगैर तो ज्ञान होती ही नहीं, इसलिए आप कृपा करके बताओ कमी क्या है। तो उन्होंने बोले तुमने धर्म दया चर्त चर्त चार था, तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में जैसे बढ़ा चढ़ा करके बताए, तुमने भागवत की महिमा ऐसे तुमने नहीं बोले हो, भगवान की कथा तुमने जी भर कर गाई नहीं, इसलिए शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है, वो ईश्वर की भक्ति उनके नाम प्रेम करना ही जीव का धर्म है। इसलिए कृष्ण गीता में बहुत अर्जुन को उपदेश दिया, बोले अर्जुन तेरे को मैंने गुह्य गुह्य तर गुह्य तम, समझ रहे हो, गोपनीय गोपनीय तर और गोपनीय तम बात तेरे को मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी जो बात तेरे को बता रहा हूं, बोले सर्व गुह्य तम भूय, कहते समस्त गोपनीय में भी तुमको गोपनीय बात में बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी सखा हो, तुम मेरी सखा हो। तब कृष्ण क्या कहते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं, बोले मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। बोले हे अर्जुन अगर मन किसको देना है ना, केवल मेरे को मन दो और किसको मन मत दिया करो, अगर किसका भक्त बनना तो किसका भक्त बनो, केवल मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो किसकी पूजा करो, बोले माम जाजी, बोले माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो किसको करो, बोले मेरे को करो, बोले तुम बोलते तेरे को सब कुछ करो, नमस्कार करो प्रणाम करो पूजा करो, तेरे को करने से क्या होगा, बोले माम एससी तुम मुझे प्राप्त करोगी, बोले तेरे को पाने से क्या होगा, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते, जीव जहां जाने से कभी वहां से वापस नहीं आता है, वो तद धाम परम मम, वो मेरे धाम है, लेकिन अगर दूसरे दूसरे को पूजा करोगे पुण्य करोगे ब्रह्म लोक तक तो जा सकते हो, लेकिन खिन्न पुण्यम मर्तलकम विसरंती, जब पुण्य खत्म हो जाएगा ना फिर यही पर आऊंगा, फिर वही जन्म मृत्यु का चक्कर में तुम भटकते रहोगे, तेरे को संपूर्ण शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नारद जी बोले देखो जब तक भगवान की महिमा को तुम दिल खोल करके नहीं बोलोगे ना शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बोले जो भागवत कौन सा भागवत किया है, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्र, समस्त शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है कदि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसलिए जगत में ये भागवत की इतने महिमा क्यों है, दूसरे दूसरे पुराण क्यों नहीं गाई जाती है, कदि ये भागवत ग्रंथ क्यों गाई जाती है, कदि इसको रचना किसने किया है, बोले स्वयं श्री व्यास देव। बोले व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये स्वयं नारायण ने ग्रंथों को रचना की है, ये समाधि ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत है, इसलिए सब पुराण में बताए, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्कर रूप असो वेदार्थ परिवृणित। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते भागवत पढ़ने से सुनने से कहते और कोई ग्रंथ सुनने का जरूरत नहीं, पढ़ने का जरूरत नहीं, भागवत सुनने से सब तुम्हारी सुनना हो जाएगा, सब पढ़ना हो जाएगा, क्यों, अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, बोले गायत्री की भाष्य है, महाभारत की सार है और वेद का जो सार है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसलिए बोले सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत मिश्यते तत रसामृतस्य अतिरिक्तस्य नान्यत्र स्यात् रत्तिकोचित। अगर जीवन में ये भागवत रस को अगर कोई एक बार पान कर लेना, फिर तो उसको कोई रस में उसकी किसी रस में उसकी रुचि नहीं रह जाएगी, कहते जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, इसलिए कहते ब मतलब होता है वरिष्ठ सर्व शास्त्र सु, बोले त मतलब क्या है, बोले तरणी च भवार नवा, कहते श्रीमद् भागवत किया, बोले तरणी च भवार नवा, ये संसार रूपी जो समुद्र से अगर कथा को कोई सुनेगा तो बैठी बैठी करके तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुमको जीवन में कुछ भी नहीं करने का है,
कुछ भी नहीं करने का, केवल यहाँ पर बैठो कथा सुनो। और कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये विश्वास नहीं हो गया ये संसार से मैं पार हो गया हूँ, तब तक मैं तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा संसार से मैं पार हो गया हूँ तभी तेरे को मैं छोड़ूंगा। इसलिए बैठो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान कोई ज्ञान कोई यज्ञ कोई तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा सुनो, केवल कथा सुनो। देखो जितने शास्त्र तपस्या ध्यान इसका तात्पर्य क्या, भगवान के चरण में मन लगाना, यही है ना। लेकिन आप देखो जब तक कथा सुनोगे कहाँ मन लगा रहता है, जिसकी कथा सुनोगे तो उसके चरण में तो मन लगा रहता है ना। आप लोगों सोचोगे अरे कथा सुनने से क्या होता, भैया कथा सुनने से सब कुछ होता है। कथा से ठाकुर भी सुनते हैं, कौन सुनते हैं, ठाकुर स्वयं सबसे बड़ा श्रोता कौन है, सबसे बड़ा श्रोता कौन है, इसलिए ठाकुर जी कथा में हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन पूर्ण रूप में सर्वश्रेष्ठ आनंद किसको मिलता है, ठाकुर जी। वो जितने खुश होते हैं ना उनकी कथा से, दुनिया में और भी इतना कोई खुश नहीं होते हैं। कथा सुनाया था ना जयपुर में, कोई संत आकर के हर साल कथा करते थे, एक साल कथा करके गए, जब दूसरे साल में आए बोले बताओ तो पिछले साल मैंने कहां तक कथा को विश्राम दी थी, उसको आगे से मैं कथा सुनाऊंगा। अभी कल जो खाया आज याद नहीं रहा, याद है कल का ही खाया हुआ। अब एक साल पहले क्या सुनाए थे सब भूल गए, इधर उधर मुख देख रहे थे क्या सुनाते कहां तक कथा थी। वो संत ने कहा लगता है इसे आज यहाँ पर कथा ठीक से कोई नहीं सुनते, गोविंद तो मंदिर से आवाज आया। बोले संत जी आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ ना कथा, मैं सुनता हूँ ना, अपने यहाँ तक कथा की, इसको आगे से ये कथा है, आगे से कथा आगे बढ़ेगी। ठाकुर स्वयं कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, इसलिए आए कृष्ण में क्या रस है, कृष्ण कथा में क्या आनंद है, कृष्ण भक्ति में क्या रस है, वो कृष्ण को ही पता नहीं कृष्ण कथा में कितना आनंद है। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना रस को आस्वादन करने के लिए इसको पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए उन्होंने राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के कलिजुग में श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए तब मतलब होता है ये कथा को जो सुनेगा आसानी से ही संसार से वो पार हो जाएगा। इसलिए ये भागवत में चार अक्षर है भागवत, इसलिए कहते ये जो भागवत कथा की जो महिमा है, कहते ये हमारी दो पुराण में कथा आती है, किसमें, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। तो अंदर में सुंदर गौर सुंदर का बुला, अब बैठो, अब बैठो, वो चले जाएगी, अब बैठो, पर अब बताए किसको बुलाने, किसको। इसलिए कहते इसमें दो कथा आती है, कहते एक ज्ञान बैराग्य की कथा आती है और एक आती है धुंधुकारी गोकर्णी की कथा आती है। कहते आप लोग हर साल तो कथा सुनते हो, आज कथा को जल्दी जल्दी विश्राम दे देंगे क्योंकि बारिश हो रही कि नहीं, हो रही है, ज्यादा पड़ रही है, हाँ अच्छा ठीक, इसलिए आज जल्दी खत्म कर देंगे। इसलिए कहते इसमें एक ज्ञान वैराग्य और एक गोकर्ण धुंधुकारी कथा आती है। आप लोग सब जानते हो जब श्री नारद जी कहां पर सर्वत्र भ्रमण करते करते जब वृंदावन में आते हैं, क्या वृंदावन में देखा, सब जगह में भ्रमण किया शांति नहीं मिली, सोचा वृंदावन जाएंगे तो शांति मिलेगी। भ्रमण करते करते जब यमुना किनारे में आए उन्होंने क्या देखा, वहां पर बड़ी एक सुंदरी बैठी हुई, अगल बगल में कुछ सखियां उनको चामरे व्यंजन कर रही थी और उनको दो बेटे ज्ञान और वैराग्य अचेत होकर पड़े हुए और वो रो रही थी, वो रो रही थी क्योंकि उनको दो बेटे दुखी है। देखो ये चीज को समझो, कहते जो भक्ति की दो बेटे हैं कौन कौन है, ज्ञान और वैराग्य। बोले इसका तात्पर्य क्या है, कहते अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, अगर हमारी भी ये दो बेटे हैं एक ज्ञान और वैराग्य, अगर ये चुस्त होना तब तो ये भक्ति खुशी रहेगी, अगर ये अगर ज्ञान वैराग्य अगर बूढ़े हुए हो फिर भक्ति रोती रहेगी। बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले भक्ति करने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक ज्ञान की और एक वैराग्य की।
लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भैया ज्ञान में तो भगवान मिलते नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान तो केवल प्रेम की वसीभूत है। और वैराग्य से भगवान मिलते नहीं है, वैराग्य से ठाकुर जी नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। पर यहाँ पर प्रश्न किए पर भक्ति की ये दो बेटे कैसे हो गए, ज्ञान और वैराग्य कैसे हो गए? बोले यहाँ पर जो ज्ञान की जो बात बताया है ये हमारे सिद्धांत ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, भगवत भक्ति युक्त ये जो ज्ञान। ये साधारण कोई जो जीव कहते एक तत्पदार्थ ज्ञान, एक तम पदार्थ ज्ञान और एक जीव ब्रह्मय का ज्ञान, ये तीन तरह का ज्ञान बताए, एक जीव ज्ञान, एक भगवत ज्ञान और एक ज्ञान है जो चाहते हैं अपना ज्योति को ब्रह्म में लीन कर देना ज्ञान, कहते ये ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, बल्कि वो जो ज्ञान है वो भक्ति की बाधक है, भक्ति की बाधक है, वो भक्ति के संपूर्ण नष्ट कर देते हैं। लेकिन कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? हमें चाहिए जीव कौन है, संसार से क्यों आया, कहाँ थे, जाना कहाँ, और जो भगवत संबंधी जो ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए आज हमारे संप्रदाय की एक बहुत बड़े एक संत की प्रभाव दीदी है, क्या नाम है? जीव गोस्वामी। ये जीव गोस्वामी कौन है? कहते ये हमारी संप्रदाय की तत्वाचार्य है, ये उन्होंने तत्व ज्ञान जो दिया, जीव को तत्व ज्ञान दिया। इसलिए बोले तीन तरह के भक्त हैं, कितने तरह के? एक है कनिष्ठ, एक है मध्यम और एक है उत्तम। हाँ अच्छे तरह से सुना, ये जो तीन तरह का जो भक्त है, कहते ये कनिष्ठ भक्ति किसको कहते, जो सबसे नीचे भक्त है? बोले उसको कहते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन जिनका भक्ति बड़े डामाडोल सा भक्ति है, जब इच्छा हरिनाम कर लेगा, जब इच्छा होगा हरिनाम छोड़ देगा, जब इच्छा होगा प्रभु का भजन करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। इसलिए जिसका भक्ति है ना वो डामाडोल सा भक्ति है, इसको कहती है कनिष्ठ भक्त। बोले मध्यम भक्त किसको कहते हैं? बोले दूसरों को तो भक्ति के बारे में समझा नहीं पाता है लेकिन अपना जो भक्ति है ना उसको सही सही करता है, भले ही दूसरों को समझा नहीं पाए, रोज सवेरे उठेगा, स्नान करेगा, तिलक करेगा, अपना गुरु मंत्र जप करेगा, हरिनाम करेगा, तुलसी में पानी देगा, ठाकुर जी की आरती करेगा, रोज ठाकुर जी को भोग लगाएगा, कुछ ना कुछ रोज ग्रंथ पढ़ेगा, ठाकुर जी की कथा सुनेगा, जो अपना भक्ति को अच्छे तरह से कर ले, ये मध्यम। बोले उत्तम भक्त कौन है? बोले जो अपना भक्ति भी अच्छे तरह से कर ले और दूसरों को भी भगवान की बाहर में समझा करके दूसरों को भी भजन में लगा दे, कहती ये उत्तम भक्त है, हाँ ये उत्तम भक्त। इसलिए ये कहते सिद्धांत बलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुधरण मानस। इसलिए भैया सिद्धांत थोड़ा फिलोसफी थोड़ा कठिन है लेकिन अलसता मत करो। इसलिए भक्ति का दो बेटे, एक ज्ञान, ज्ञान मतलब ये शास्त्र ज्ञान है, वैराग्य मतलब क्या? बोले ठाकुर जी के चरण में अनुराग प्रेम। कहते ये भागवत कथा जब उन्हें सुनाए, जब चतुसन कथा सुनाए, क्या हुआ? भक्ति और ज्ञान दोनों नाच उठे, नाच उठे। कि बोले नाच उठे क्यों? कहते जब ये भागवत कथा सुनेंगे ना, भगवान कौन है, जीव कौन है, कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, ये जो ज्ञान पूर्ण रूप में ही भागवत में। वैराग्य मतलब भगवान के चरण में अनुराग प्रेम, भागवत में तो प्रेम ही प्रेम ही है। कहते ये भागवत से तुमको सारे ज्ञान वैराग्य सब कुछ मिलेगा, और मिलने पर जब ये दो चीज तुम्हारी सही हो गया ना, ए भक्ति नाच उठेगी, मतलब भक्ति तुम्हारी बढ़िया से भक्ति होगी, भक्ति तुम्हारी बढ़िया भक्ति होगी। इसलिए ये भागवत कथा श्रवण करके जब चतुसन ने ये भागवत कथा सुनाया, ज्ञान वैराग्य नाच उठे, हाँ प्रेम, भक्ति देवी भी जवानी होकर के नाच उठी। इसलिए भागवत में एक ज्ञान वैराग्य की कथा आती है और एक कथा आती है गोकर्ण धुंधुकारी की कथा आती है, जो धुंधुकारी इतने पापी था, बोले धूम धूम करते इतनी धुंधुकारी, जो जीवन को दुखी दुखी कर दे, जीवन को जो दुखी दुखी कर दे, इसको कहते हैं धुंधुकारी है। इसलिए ये धुंधुकारी जैसे पापी दुष्ट, जिसने अपना माँ को भी कुएं में आत्महत्या करके जिसकी वजह से प्राण त्याग की, इतने सताया पिताजी भी घर छोड़ दिए, इतने पाप कर्म किया, छह छह वेश्या को भी घर में लेकर के आ गए और उसके लिए चोरी डाकू सारे गंदे काम किया,
लेकिन जब उसकी पिंड दी तभी मुक्ति नहीं मिली। बोले एक बार क्यों, 100 बार भी पिंड से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मुक्ति मिली किससे? भागवत से। इसका मतलब है अगर ये भागवत कथा सुनेंगे ना हम भी, इसमें केवल ये भागवत कथा से ही अगर धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा को अगर उधार हो सकता है, भाई हम तो जिंदे जिंदे, हमारे क्या उधार नहीं होगा, हमारे क्या उधार नहीं होगा, हमारे भी उधार हो जाएगी ये भागवत कथा से। इसलिए सुंदर गौर सुंदर धर ये आज आपको ये धुंधुकारी गोकर्ण की प्रभु जी थोड़ी कथा सुनाएगी, इसके बाद में आज कथा को जल्दी जल्दी विश्राम दे देंगे और सबके सब प्रसाद पाकर जाना। और कल क्या करना, हमारे गुरु जी कहते थे एक एक भक्त लोग 10-10 भक्तों को लेने कराना, कितना कितने भक्तों को, हमारे तो भक्त बहुत है लेकिन अभी तक ये माइक दे दो। हाँ अभी ये बारिश की वजह से सब गड़बड़ी हो गई। देखो ठाकुर को प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो, ये इंद्र को आदेश दे। किसको आदेश दे? बोले जगन्नाथ जी आपकी कथा हो रही है, आपकी कथा हो रही है, अब इंद्र को आदेश दो। क्या आदेश दो? जैसे इंद्र ये बारिश को बंद कर दे, हैं? लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं, हम तो भगवान की भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत कथा, हम तो भागवत कथा कर रहे हैं। हाँ देखो एक समय ना नवद्वीप परिक्रमा में जब पहला बार हम लोग देवानंद गौड़िया मठ से निकल करके आए, पहला बार हम जो केशव जी गौड़िया मठ में कथा हुई, आप कोई थे? आप लोग कोई नहीं थे, नवीन रूप थे आप नहीं थे। अब पहला बार वहाँ टेंट बना करके, हाँ टेंट बना करके हुई। अब सोच नहीं सकती इतने आंधी तूफान आई, इतने आंधी सब टेंट फेंट फेंट सब उड़ा कर ले गया, हाँ सब उड़ा करके ले गया सबके सब, और कहीं पेड़ टूट गया, कहीं खंबे गिर गया इतने, और बारिश में रात को इतने बारिश हुई। तो उस समय गुरुदेव ने नरसिंह देव की उन्होंने पूजा की, नरसिंह देव की आरती की, और उन्होंने नरसिंह देव को प्रार्थना की, हे नरसिंह भगवान हम तो आपकी धाम को परिक्रमा करने के लिए आए हैं, देखो ये इंद्र कितने गड़बड़ी कर रहा है, इंद्र कितने ये गड़बड़ी इंद्र कर रहा है, हाँ ये इंद्र को आदेश दो। सब लोग सोच रहे थे शायद परिक्रमा हो नहीं पाएगी, कल परिक्रमा शुरू होगी, आज रात को टेंट फेंट सब गिर गया सबके सब, लोग आस पास में जाकर रुके। गुरुदेव ने नृसिंह देव को उन्होंने प्रार्थना की है, नृसिंह देव अब इंद्र को आदेश दो ये मेघ को बंद कर दे क्योंकि कल से हमारी परिक्रमा शुरू होगी। सचमुच दूसरे दिन क्या हुआ, सब लोग तो हताश हो गए थे, फिर दूसरे दिन जितना सब उमंग लेकर के आए थे, इतने जोर जबरदस्ती परिक्रमा हुई नवद्वीप की, इतने जोर जबरदस्ती परिक्रमा हुई। आप लोग देखे होंगे दूसरे दूसरे गौड़िया मठ में जितने लोग है ना, हमारी गुरु जी को पास में उससे भी ज्यादा भक्त हमारे के मठ के थे, जितने सारे गौड़िया मठ के जितने भक्त है उससे ज्यादा भक्त हमारी परिक्रमा में थे। आप लोग तो गए, कौन कौन नहीं गए नवद्वीप परिक्रमा में? हाँ इसलिए इस बार देखो अगर कोरोना सही रहे अब सबके सब चलना, ठीक है? बोले श्री नवद्वीप धाम की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माताएं प्रभु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जब पद्म पुराण में वर्णन है चतुसन के मुखारविंद से नारद जी ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीनों जब भारी कथा श्रवण कर रहे थे तभी केवल मात्र भागवत कथा की महिमा सूचक श्लोक श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों वहां पर नवयौवन को प्राप्त करके और प्रकट हो गए और वहां पर नृत्य करने लगे।
और उसी समय पर ठाकुर जी साक्षात गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए। समस्त वहां पर भक्तगण मिलकर और हरि कीर्तन कर रहे थे और नारद जी ने उसी समय पर प्रश्न किया कि यह भक्ति, यह भागवत कथा, यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को तो नवयौवन इसने प्रदान किया ही है, उन तीनों को तो पोषण देती ही है, लेकिन क्या इसका श्रवण करके किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? उस समय पर चतुसन वर्णन करते हैं कि पापी, अरे तुम पापी की क्या बात कर रहे हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनां सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप के अलावा और कोई काम ही नहीं किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, पूरे जीवन में अपने पाप के अलावा और कोई काम ही नहीं किया हो और क्रोध, काम, लोभ इत्यादि सब दोषों से विभूषित हो, ऐसे पापियों का भी उद्धार हुआ है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताहपरायण से। तब उन्होंने उस समय पर एक इतिहास का श्रवण करवाया। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़े सदाचार संपन्न ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। जिस तरह से उनका नाम था उसी के समान उनके गुण, बड़े ही शौच शुचि इत्यादि में निष्णात और विद्वानों की सभा में उनको द्वितीय भास्कर कहते थे, वो विद्या भास्कर के नाम से उनकी ख्याति थी। लेकिन उनकी पत्नी उनके पूरे विपरीत, पत्नी अभी श्रवण कर रहे थे ना, पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ क्या हुआ, धुम धुम अज्ञान कलहम लाती या सा धुंधली, कि जिसको हमेशा कलह प्रिय थी, जिसको हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश में ही मजा आता था। अभी घर में इनके सब चीज था लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण बड़े दुखी थे, स्वयं तो दुखी थे ही, उनके पूर्वज भी उनका भी दिया हुआ पिंड स्वीकार नहीं करते थे। घर में कभी गैया लेकर आते तो वो गैया भी बांझ रह जाती, कोई नव वृक्ष यदि बीज रोपण किया उस वृक्ष के अंदर फल फूल नहीं होते थे। इतने दुर्भाग्य, इतने घर में दुखी थे कि आत्मदेव ने एक दिन तय किया कि मैं ये प्राण ही नहीं रखूंगा, इसलिए आत्महत्या करने के उद्देश्य से किसी जंगल में चले गए। जंगल में जाते जाते बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। अभी उस समय पे उधर से एक सन्यासी जी निकले। सन्यासी ने इस रोते हुए व्यक्ति की आवाज सुनकर उसके पास में आए, पूछा कथम क्रोधसि विप्रत्वम काते चिंतावली असी, अरे रो क्यों रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है मुझे बतलाओ, हम चेष्टा करेंगे उसका निवारण करने का। संतों का तो काम ही यही है, जो दुखी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं उनके घर घर जाकर, उनके पास जाकर उनको दुख का निवृत्ति करना, सुख का पथ प्रदर्शित करना। तो सन्यासी ने प्रश्न किया कि तुम्हारी चिंता का क्या कारण है, जरा वर्णन करो। कहने लगे कि हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पूर्व पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सारा सुख वैभव, अच्छी पत्नी, सब चीज मुझे मिली है, लेकिन न जाने कौन सा बुरा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप घर में कोई संतान नहीं है। सन्यासी सुनके सोचने लगे, कहां मैं सोच रहा था कोई ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते क्रंदन कर रहा होगा और इनको बेटे का भूत चढ़ा हुआ है। बोला पुत्र प्राप्त करने से आप सुखी हो जाओगे, ये आपकी गलत धारणा है। अरे सगर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी थे? सारे के सारे पुत्र जल के राख हो गए। चित्रकेतु महाराज, भागवतम के अंदर वर्णन है, चित्रकेतु महाराज की कई रानियां थी, उनके भी कोई पुत्र नहीं था। ऋषि के आशीर्वाद से जब घर में पुत्र हुआ तो वो ही पुत्र को रानियों ने विष देकर मार दिया और वो ही पुत्र बाद में भीषण दुख का कारण बना। तो इसलिए पुत्र होने से सुखी नहीं होते, इस गलत धारणा को अपने जीवन से हटा दो। बोलने लगे, बाबा तुम सन्यासी वैरागी, तुम्हें क्या पता, अरे घर में जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा मम्मी मम्मी कहते कहते पुकारते हैं, अरे इतना आनंद मिलता है वो सुन सुन के ही। पुत्र पौत्र समन्वित गृहस्थी यदि किसी ने दर्शन ही ना करी हो तो उसको कैसे पता चलेगा। ये त्यागियों के उपदेश मुझे मत दो, अगर कुछ संतान दे सकते हो तो इसका कुछ उपाय करो। सन्यासी जी कहने लगे, देखो हम थोड़ा ज्योतिषी जानते हैं और सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैवच नैवच, कहते हैं अभी इस जन्म की तो बात छोड़ दो, अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। ये सुनते ही तो आत्मदेव माथा पीट पीट कर रोने लगे। बोले हाय, मैं सोच रहा था आपसे मिलके मेरा दुख कम हो जाएगा, आपने तो और 7 गुना मेरा दुख बढ़ा दिया। कहते हैं मेरे घर में अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। बोले हाँ सत्य तो यही है। उनके सर में जो है चरण मार के और रोने लग गए। बोले मैं तो अपने प्राण यही त्याग कर दूंगा, मैं और ये जीवन ही धारण नहीं करूंगा, और ये बात और समझ लो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा।
क्योंकि मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग कर रहा हूं। सन्यासी जी सोचने लगे कि कहां मैं इधर से आ गया, कहां अच्छी राम राम हुई इनसे, मैं तो गलत ही फंस गया। तब उन्होंने क्या किया, आत्मदेव की इस स्थिति को देखकर वृक्ष से एक फल लिया, अभिमंत्रित करके और उसे प्रदान किया। बोले ये अपनी पत्नी को खिला देना, घर में संतान हो जाएगी। सुनते ही तो आत्मदेव को आनंद प्राप्त हुआ। और महाराज बता दो और क्या करना है, बोले घर में थोड़ी शुचि रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और उसके बाद में समय उपयुक्त होने पर तुम्हारे घर में संतान होगी। नाचते नाचते आत्मदेव घर में आ गए। पत्नी से कहा भाग्यवान सुनती हो, बोले बतलाओ क्या हुआ। बोले ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। धुंधली ने जैसे ही हाथ में फल देखा उसका तो दिमाग खराब हो गया। बोले मैं सोच रही थी कोई बढ़िया यजमान मिला होगा, अच्छा खासी दक्षिणा लेकर आए होगे, इसलिए बुला रहे हो। मैंने कभी जीवन में फल खाया नहीं क्या, ये क्या लेकर आए हो। बोले पगली ये साधारण फल नहीं है, इसको खाने से संतान होगी। ओ इसको खाने से संतान होगी। धुंधली भी सुन रहे थे ना अभी, कलह प्रिय बहुत कुतर्की। तो धुंधली ने भी मन ही मन विचार किया कि अगर मेरे गर्भ में संतान आ गई ये वृक्ष ये फल खाने से, मैंने सुना है गर्भवती महिलाओं का पेट निकल जाता है और ठीक से खाती हैं तो वो पोषण भी बच्चे को जाता है, खुद के शरीर को लगता नहीं। अभी गांव में कभी डाका डल गया, चोर चक्के आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, घर में आग लग गई तो मैं तो बच भी नहीं पाऊंगी, और अगर मेरी जो ननद है वो तो मेरे को गर्भवती देखकर 6 महीने पहले घर में आ जाएगी, घर का सारा माल भी बटोर के ले जाएगी। तरह तरह से कुतर्क करने लगी। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। कहते हैं इतनी कुतर्की थी धुंधली अपने पति से, अपनी जो शाम में उसकी एक सहेली आई थी उससे कुतर्क करते करते उसने वो फल को ग्रहण नहीं किया। उसकी सहेली भी कहने लगी, उसकी बहन जब आई थी उससे कहने लगी कि साधुओं के द्वारा प्रदत्त फल खाने से मान लो बच्चा होने लग जाता तब तो फिर बात ही क्या थी, तेरे पते भी ना पगलाए गए हैं, कहां थे साधु के चक्कर में पड़ रहे हैं। मेरी एक बात सुन, मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे घर में कुछ खिलाने को नहीं और तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और तू उसके बदले में मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, वो भी मान जाएगा। ठीक है भैया, दोनों बहनों के बीच में डील हो गई अपना बच्चा उसको देने के लिए। देखो यहां पर टीकाकार कहते हैं कि ये कुतर की बुद्धि और ये जो आत्मदेव, इन दोनों का जो प्रसंग है ये साक्षात ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आत्मदेव कहां रहते थे, कहते तुंगभद्रा के किनारे। तुंगभद्रा का अर्थ क्या हुआ, तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्रा अर्थात कल्याण का कारण, कल्याण का साधन। हमें भी ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है ये मानव शरीर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हमें साधन का एक वस्तु प्रदान हुई है और इसमें विराजता कौन है, आत्मदेव। आत्मदेव मतलब जो अपनी आत्मा को दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहता हो, भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हो, ऐसा आत्मदेव इस शरीर में विराजमान रहता है। लेकिन इस आत्मदेव के साथ में रहती है उसकी पत्नी, कौन, धुंधली, जो है ये कुतर की बुद्धि। हमारी ये जो कुतर की बुद्धि है ये सब समय इसके साथ में विराजमान रहती है और जब जब भी हमारी आत्मा दिव्यता में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करती है, अर्थात सदगुरु के द्वारा बताए हुए भजन का मार्ग यदि पकड़ने की चेष्टा करते हैं तो हमारी कुतर की बुद्धि बार बार उसमें टांग अड़ाती है। सत्संग में सब लोग श्रवण करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, गुरु जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए, बहुत सारे उपदेश साधुओं के पास में जाकर हम श्रवण करते हैं तब तो बड़ी गर्दन हिला हिला के सुनते हैं, लेकिन जैसे ही पुनः घर में आते हैं हमारी कुतर की बुद्धि उससे लड़ बैठती है और जो सारे उपदेश हमने श्रवण किए थे वो सारे उपदेश को नकार देती है बुद्धि और कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करती। जिस प्रकार ये धुंधली, इसने भी साधु के द्वारा प्रदान किया गया फल ग्रहण नहीं किया, टेस्ट करने के लिए गैया को खिला दिया। जैसे ही उपयुक्त समय हुआ उसकी बहन ने अपना बच्चा इसको लाकर दे दिया और आत्मदेव ने जैसे ही श्रवण किया कि घर में बेटा हुआ है, आनंद में नाच उठे, पूरे गांव में उन्होंने तो मिठाई बंटवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया, बोले सब बधाई ले लेकर आ जाओ। और 3 महीने बाद में ठीक गैया को जो फल खिलाया था उस गैया से भी एक शिशु का जन्म हुआ, मनुष्य शिशु का। देखने वाले सब इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे, बोले भैया ठाकुर जी देते नहीं तो देते नहीं और देते हैं तो छप्पर फाड़ के। कहां इसके घर में एक भी संतान नहीं थी और कहां दो दो, गाय के गर्भ से भी एक मानव शिशु का जन्म हुआ, देखने में बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, कहते हैं कनक प्रभम, इतना सुंदर कलेवर उसका,
पूरे अंग अंग बड़े सुंदर घटित हुए हुए, केवल मात्र कान गाय के जैसे थे, गैया के जैसे बड़े बड़े कान थे। धुंधली जी कहने लगे कि हमारा पुत्र है, इसका नामकरण तो हम ही करेंगे। बोले क्या नाम रखोगी? कहते धुंधुकारी। जो उसका बेटा था जो अपनी बहन से लेकर आई थी उसका नाम रख दिया धुंधुकारी, और जिस पुत्र का जन्म गैया से हुआ था उसका नाम रख लिया धुंधु गोकर्ण। इस तरह से दोनों का नामकरण हुआ। और धीरे धीरे जैसे ही दोनों बड़े हो गए, दोनों ने एक ख्याति प्राप्त करी। कैसी ख्याति? एक तो हो गया कुख्यात और एक हो गया विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। इतना खल था धुंधुकारी, अपनी माँ के समान ही उसके अंदर गुण थे। सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता, घर के बर्तन बेच बेच के आ जाता था, कुएं के पास में कोई बच्चे खेल रहे होते तो उन्हें धक्का मारकर गिरा देता, जानवर वहां पर सानी खा रहे होते तो उसकी पूंछ ऐंठ कर भाग जाता, तरह तरह के से वहां पर कला प्रिय हमेशा इतनी दृष्टता करता था। शाम होते होते तो 10-12 कंप्लेन घर में। अभी माता पिता दोनों ही दुखी होने लग गए और मैया को इतना कष्ट देने लगा कि मैया को मारता, पिताजी को भी गाली गलौज करता। आत्मदेव बड़े दुखी होकर और एक दिन जंगल में चले गए। जंगल में जब जा रहे थे तब पुत्र गोकर्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मेरे मन का विचार था कि एक पुत्र होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज ये धुंधुकारी ने मुझे इतना दुख दिया है, मैं और घर में रहना ही नहीं चाहता, पूर्ण रूप से विरक्त हो गया हूं। गोकर्ण उनको समझाने लगे कि पिताजी साधु बाबा ने आपको समझाया था पहले भी कि पुत्र प्राप्ति से सुखी नहीं होगे, और इस जड़ जगत में जो आप सुख ढूंढ रहे हो, अरे इस जड़ जगत में सुख है ही नहीं। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनाम सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। पिताजी न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनाम, आपका विचार क्या है कि इस जड़ जगत में मैं सुखी हो जाऊंगा पुत्र प्राप्त करने से या धन प्राप्त करने से? ये गलत धारणा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसीदास कहत बिचारी बिना हरि भजन सब जीव दुखिहारी, सब जीव दुखिहारी। भैया सभी लोग सोचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो सोचते हैं थोड़ा पैसा प्राप्त करके सुख हो जाएंगे, जिनके पास थोड़ा पैसा है वो सोचते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो देवता लोक हैं। देवता लोक के मन का विचार है कि ब्रह्मा शिव इत्यादि सुखी होंगे, लेकिन जब तक किसी ने हरि भजन को नहीं अपनाया कभी सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गोस्वामी जी 7 उदाहरण देकर बतलाते हैं यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो केवल मात्र हरि भजन से ही होगा। कहते हैं बारी मथे हय ग्रीत सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन ना भव तरिये ये सिद्धांत अपेल। कहते हैं हरि भजन यदि जीवन में नहीं अपनाया, उदाहरण देते हैं कि कछुए के पीठ पर कभी बाल देखे हो? कछुए की पीठ पर किसने किसने बाल देखा, हाथ उठाओ। कछुए की पीठ पर बाल नहीं उगते। गोस्वामी जी कहते हैं ये असंभव है तब पर भी मैं इसे मान लूंगा। कहते हैं आकाश में कभी फूल खिलते हुए किस किसने देखा? आकाश में कभी फूल नहीं खिलते, असंभव होने पर भी मैं इसे मान लूंगा। कहते हैं खरगोश के सींग उग गए, खरगोश के सींग तो होते नहीं, असंभव है, लेकिन यदि कोई कहे कि मैंने खरगोश के सींग देखे हैं, बोले मैं मान लूंगा। ऐसे उन्होंने कई असंभव चीजें बतलाई। कहते हैं ये सब मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन यदि कोई कहे कि भैया मैं राम का भजन नहीं करता, कृष्ण का भजन नहीं करता, मैं जीवन में बहुत सुखी हूं, बोले मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। इसको गोकर्ण जी अपने पिताजी को बड़े अच्छे समझाने लगे। बोले पिताजी देह अस्ति मांस रुधिर अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी संसार में दुख के दो ही कारण हैं। क्या? कहते हैं मैं और मेरा। इस शरीर को आप मैं मान रहे हो, लेकिन आप ये शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर जो उपस्थित आत्मा है आप वो हैं, और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, है ना। चैतन्य चेतामृत में वर्णन है कि सब जीव ठाकुर जी के दास है, नित्य दास। इसलिए ये मैं और मेरा तोड़ते माया। जब ये शरीर आपका नहीं है तो इस शरीर से संबंधित पुत्र पत्नी इत्यादि कैसे आपके हो सकते हैं? इसीलिए इनमें क्या करो, आसक्ति हटा दो,
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। अरे ये आसक्ति जो आपकी है जाया पत्नी में सुत में, ये सारी सब हटाकर क्या करो, पश्या निशम जगत इदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको, वैराग्य का धारण करो अपने जीवन में, वैराग्य को अपनाते हुए क्या करो, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कहते हैं धर्म का आचरण करो। धर्म क्या, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का भजन करो। और क्या करो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा, किसी के दोष भी मत देखो, किसी के गुण भी मत देखो। अच्छा तुम कहते हो किसी के दोष मत देखो, दोष देखने से किसी व्यक्ति से घृणा हो सकती है, लेकिन गुण देखने में क्या दोष है, किसी के गुण से तो प्रभावित हो सकते हैं ना। बोलते हाँ गुण देखोगे तो उससे आसक्त हो जाओगे, गुण देखोगे तो उससे आसक्त हो जाओगे, इसलिए किसी के दोष भी मत देखो, किसी के गुण भी मत देखो। और क्या करो, कहते हैं सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की हरि कथा सब समय श्रवण करते रहो, इसी से ही एकमात्र कल्याण होगा। पिताजी की बात समझ में आ गई, आत्मदेव वहां से वन की ओर प्रवेश किए, दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम को चले गए। इस तरफ पीछे से धुंधुकारी ने अपनी माँ धुंधली को इतना मारा कि मैया ने तो दुखी होकर कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अपने घर में छह छह वैश्याओं को ले आया और वैश्याएं उससे अलग अलग डिमांड करती, उनकी मांग को पूरी करने के लिए किसी घर में डाका डालता, किसी के घर में चोरी करता, अलग अलग तरीके से उन पाप कर्म कर करके उन वैश्याओं का भरण पोषण करने लगा। एक दिन जब राजा के घर में डाका डाल के आया तो बड़े हीरे माणिक के लिए आया। वैश्याएं मनी मन विचार करने लगी कि अगले दिन जब सिपाही खोजते खोजते आएंगे इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगी, इसलिए क्या किया, रातों रात जब वो सो रहा था बड़ी बुरी तरीके से दोने हाथ पकड़े, दोने पैर पकड़े, गले में फांसी का फंदा डालकर उसको मारने की चेष्टा करी। जब वो मर नहीं रहा था तो जलते हुए अंगारे लेकर क्या किया, उसके मुंह में ठूस ठूस कर उसको वहीं पर मार दिया, गड्ढा खोद कर वहीं पर दफना के, और चारों छहों वैश्याएं फरार हो गई। सुखदेव यहाँ पर चतुसन कहते हैं कि स्त्रियां यद्यपि बड़ी अबला होती हैं लेकिन विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय जो ऐसी कुलहीन स्त्रियां होती है वो विश्वसनीय नहीं है। बाद में जब इतनी प्रेत इतनी बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हुई तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, और गोकर्ण जी को जब ये बात पता चली उन्होंने गया में जाकर उसका पिंडदान किया। गया में भगवान के चरण चिन्ह है तो गोकर्ण जी ने वहां पर जाकर उनका पिंडदान किया। पिंडदान करके पुनः जब घर में आए हैं, कभी गैया का रूप लेकर, कभी भैंसे का, कभी बैल का, कभी अलग अलग हाथी का रूप लेकर उनको डराने लग गया। और जैसे ही गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लेकर उसके ऊपर छिड़का तो तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारीति नामतः। कहते हैं मैं आपका वही भाई धुंधुकारी हूं, मेरे जीवन में कोई मैंने पुण्य काम किए नहीं थे लेकिन एकमात्र यही मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा भाई मुझे प्राप्त हुआ। अरे मेरी इतनी दुर्गति से मृत्यु हुई है जिसके कारण आज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, आप दया करके मेरे कल्याण का कुछ उपाय खोजिए। उस समय पर तो गोकर्ण जी ने उनको वहां से विदा किया। अगले दिन जब विद्वत गोष्ठी हुई, सूर्यदेव की उपासना से पता चला कि ये भागवत सप्ताह का आयोजन करो। भागवत सप्ताह का आयोजन जब पूरे गांव में ऐसी खबर फैली, सारे ग्रामवासी एकत्रित हो गए, हजार हजार श्रोता वहां पर बैठे थे, और धुंधुकारी जी वहां पर एक प्रेत योनि में थे, इसलिए एक बांस के अंदर, एक सांप गांठ वाली बांस थी, उस बांस के अंदर आश्रय लिया उन्होंने। गोकर्ण जी व्यासपीठ से भागवत की बड़ी बड़ी महिमा गान कर रहे थे, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, श्रीमद् भागवतान एकम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। कहते हैं एकमात्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही है जो घोषणा करता है किसके लिए, बोले मुक्तिदानेन गर्जिता, श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करके निश्चित रूप में मुक्ति प्राप्त हो गई। इस हरि कथा का श्रवण करने से ही क्या होगा, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। जब एक एक दिन की भागवत कथा होती चली गई, एक एक बांस की ग्रंथि चटकती गई, और जैसे ही सात दिन हुए, सात दिनों में सात बांस की ग्रंथियां चटक गई, और धुंधुकारी ने वहां पर बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, पीतवास घन श्याम मुकुटी कुंडलान्वित। धुंधुकारी ने वहां पर इतना सुंदर विष्णु दूत का स्वरूप धारण किया, सर पर मुकुट, किरीट, कुंडल, गले में माला, पीतांबर, चतुर्भुज रूप धारण करके, और वहां पर उनके लिए एक रथ आया है। विष्णु दूत जैसे ही उनको लेकर और जाने लगे, उसी समय पर गोकर्ण जी प्रश्न करने लग गए, बोले भैया कथा तो सबने श्रवण करी थी, हजार हजार श्रोता है और रथ लेकर आए हो, एक ऐसी गलत काम क्यों करते हो।
तो उस समय पर विष्णुदूत स्वयं कहने लगे कि कथा एकमात्र धुंधुकारी ने ही मन देकर सुनी, बाकी सबने तो कथा कैसे सुनी, बोले पल्लू झाड़ कथा सुनी, कथा वहां पर सुनी, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, जो भी सुना था वहीं पर अपना पल्ला झाड़ा और तुरंत घर चले गए। इसीलिए कथा सुनने पर भी इनके लिए रथ नहीं आया, एकमात्र धुंधुकारी ने एक मन से कथा सुनी थी इसलिए उनके लिए रथ आया है। जैसे ही गोकर्ण जी को यह बात पता चली तब सारे ग्रामवासी सुन के दुखी हो गए। गोकर्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, पुनः बाबत भागवत का सप्ताह का आयोजन होगा। और उस समय पर गोकर्ण जी ने फिर से 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया और 7 दिन के बाद में जितने श्रोता थे उतने ही रथ वहां पर उपस्थित हुए। सारे विष्णु दूत उनको लेने के लिए आए और साक्षात भगवान भी वहां पर उपस्थित होकर गोकर्ण जी को गले लगा लिया। गोकर्ण जी की बड़ी महिमा गाने लग गए, बोले तुम्हारे जैसे भागवत वक्ता, तुम्हारे जैसे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम्हारे जैसा दानी और त्रिभुवन में हो ही नहीं सकता, जो ये भगवान की कथा श्रवण करवा के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। और जिस तरह से भगवान राम ने समस्त अयोध्या वासियों के साथ में अपने धाम को गए थे, उसी प्रकार आज पूरे ग्राम वासियों को लेकर गोकर्ण जी के साथ में समस्त भगवान के पद को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। इसीलिए वहां पर वर्णन करते हैं कि कथा किस तरह से श्रवण करनी चाहिए। पहली बार जब कथा हुई तो केवल मात्र गोकर्ण जी ने, केवल मात्र धुंधुकारी के लिए रथ आया था, तो धुंधुकारी ने किस तरह से सुनी कथा, कहते एक मन से। बोले कथा सुनने की विधि बतलाते हैं यहाँ पर चतुसन। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मन दोष जयश्चैव कथायां निश्चलां मति। सबसे पहला नियम बताया विश्वासो गुरु वाक्येषु, अर्थात जो भी व्यासपीठ पर विराजमान संत भागवत कथा का वर्णन कर रहे हैं उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठकर न जाने कौन सी बात किसके हृदय में लग जाए, इसीलिए पूर्ण रूप में विश्वास रख के उन व्यास की वचनों पर विश्वास रखो। सुदृढ़ विश्वास रखोगे यदि तब जाकर तो हमारे लिए भी रथ आएगा। गुरुदेव कथा सुनाते ना किस प्रकार, एक समय पर एक चेला गुरु जी के आश्रम में जाता था। आश्रम में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। अभी एक दिन जब जन्माष्टमी का दिन उपस्थित हुआ तो फिर रात में उत्सव होते होते तो 12-1 बज गए। अब चेले ने गुरुजी से प्रश्न किया, बोले गुरुजी मुझे वापस जाना है। बोले इतनी रात हो गई है, आज तो यहीं पर रुक जाओ आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं। बोले गुरुजी अगर मैं घर जाता हूं तो फिर मुझे आश्रम का चिंतन होता है, अगर मैं आज आश्रम में ही रुक जाऊंगा तो मुझे घर का चिंतन होगा, आप बतलाओ कौन सा बेहतर है। बोले भैया फिर तो तू जा, तू अपने घर चला जा, घर जाकर कम से कम आश्रम का, साधुओं का, ठाकुर का चिंतन होता है तो यही बढ़िया। लेकिन गुरुजी एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत। बोले मुझे नदी पार करनी पड़ेगी, अब रात के 1 बज चुके हैं, अब कौन सा नाविक वहां पर उपस्थित होगा। बोले चिंता मत करो, मैं तुझे एक मंत्र लिखकर दे देता हूँ, उस मंत्र को अपने हाथ में दबा कर रखना और तुम पानी के ऊपर चलने लग जाओगे। बोले पानी के ऊपर। बोले हाँ हाँ पानी के ऊपर चलने लग जाओगे। बोले ठीक है। गुरुजी ने मंत्र लिखकर दे दिया, हाथ में धरते हुए जा रहा है। अभी टेस्ट करने के लिए जैसे ही पैर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देखा सच में पैर डूब नहीं रहा। दूसरा पैर आगे बढ़ाया, बोले सच में नहीं डूब रहा, पानी के ऊपर चल रहा था। अरे वो तो मन में आनंद लेकर चलते चलते धीरे 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 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और जैसे ही अब नदी थोड़ी सी पार ही होने वाली थी, उस समय पर मन में शंका आई कि गुरुजी ने ऐसा क्या लिखा, एक बार खोलकर देख तो लूं, मैंने तो मंत्र खोल के भी नहीं देखा। तो जैसे ही खोलकर देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उसने मंत्र पढ़ा, बोले बस यही, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा बस संशय करने मात्र से ही तो वहीं पे डूब गया। इसलिए यहां शिक्षा देते हैं, देखो विश्वासो गुरु वाक्येषु, जब तक उसे मंत्र पर विश्वास था, जब तक गुरुजी के वचनों पर विश्वास था, तब तक तो पानी पर भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही संशय आया उसी समय पर वहीं पर डूब गया। इसलिए व्यास गद्दी पर विराजमान गुरुदेव जो भी भागवत का वर्णन, जो भी भागवत का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु। दूसरा बतलाया स्वस्मिन दीनत्व भाविना, बड़े दीनहीन भाव से हरिकथा श्रवण करनी चाहिए। दीनहीन भाव मैंने मतलब जिस स्थान पर आ रहे हो उस स्थान को साधारण मत समझो। जिस स्थान पर भागवत कथा होती है, कहते हैं ना सर्वाणि तीर्थाणि वसन्ति तत्र
जथा अच्युता दे कथा प्रसंग। भगवान की कथा जहाँ पर विराजमान होती है वहां पर तो सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। अरे अलक्ष्य रूप में यहाँ पर आपके साथ साथ सारे देवी देवता भी हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं पा रहे, ये तो आपका दोष है। लेकिन यहाँ पर देवता लोग भी विराजमान होकर और इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं, इसलिए बड़े दीनहीन भाव से उस स्थान पर उपस्थित होकर उस स्थान को प्रणाम करो। उस स्थान को प्रणाम करते हुए उस स्थान के चरण रज अपने उस स्थान की रज अपने मस्तक पर लगाओ। जो हरिकथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, जो हरिकथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करके बड़े दीनहीन भाव से आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए हरिकथा श्रवण करनी चाहिए। बतलाया श्रोता होने चाहिए हनुमान जी जैसा। जब जब भी कहते ना यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नंदनम राक्षसांतकम। जहां जहां पर भी भगवान की कीर्तन होती है, जहां जहां पर भी श्री राम कथा होती है, उस स्थान पर प्रभु हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। और किस तरह से वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए बड़े दीनहीन भाव से एकदम पीछे बैठकर अपने आप को पूर्ण रूप में अज्ञानी समझते हुए। यद्यपि हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अरे उनके समान ज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को पूर्ण रूप में अज्ञानी समझते हुए बड़े दीनहीन भाव से हरिकथा का श्रवण करते हैं। इसलिए दूसरा नियम बताया स्वस्मिन दीनत्व भाविना मन दोष जयश्चैव, अर्थात मन के दोष को, मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ इत्यादि इन सबको दमन करते हुए, इसको जय करते हुए बड़े दीनहीन भाव से यदि हरिकथा श्रवण करें, कथायाम निश्चलाम मति, इस मन को एक मन रखते हुए स्थिर बुद्धि से यदि कोई कथा श्रवण करेंगे तब जाकर हमारे लिए भी रथ आएगा और साक्षात भगवान के वह गौलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। इसलिए वहां पर वर्णन करते हैं कि श्रोता दो तरह के हैं, श्रोता दो तरह के हैं, कहते हैं एक अवर और एक प्रवर, अच्छे श्रोता और घटिया श्रोता। अच्छे श्रोता बतलाया चार तरह के हैं, अच्छे श्रोता चार तरह के, कौन कौन से गुरुदेव तो कितनी बार बतलाए हैं यहाँ पे, एक दो तो बतलाओ, हंस और चातक मछली और क्या रह गया, इसलिए चार तरह के श्रोता बतलाए। देखो हंस, हंस का क्या गुण है, अगर आप हंस को दूध और पानी दोनों मिलाकर दो तो वो दूध दूध आहरण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार एक श्रोता को ऐसा होना चाहिए कि कथा से सार सार ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। दूसरा बात बतलाया, दूसरा श्रोता है मछली। मछली को देखना, मछली की कभी भी आंखें नहीं झपकती। उसी प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए एक टकटकी लगाकर, ऐसा नहीं आए यहां पर इधर उधर से बात करने लग गए, कथा में ध्यान नहीं है, बोले नहीं भैया, एक टकटकी लगाकर मछली की तरह एकांत रूप में हरि कथा श्रवण करो। तीसरा श्रोता बतलाया चातक। ये चातक पक्षी का एक गुण है, ये कभी भी किसी नदी या सरोवर का पानी नहीं पीता, ये केवल मात्र पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र में जब वृष्टि होगी तो उसी का ही पानी पीता है। भले ही प्यासा हम करते करते मर जाए, प्राण त्याग करने क्यों ना पड़े, लेकिन और कहीं पर मुंह नहीं मारता। उसी प्रकार एक श्रोता को होना चाहिए कि श्रवण करेंगे तो भगवान की ही कथा, ऐसे नहीं संसारिक कथा में लग गए और भगवान की कथा छूट गई, श्रवण करेंगे तो केवल मात्र भगवान की कथा। और चौथा बतलाया तोता। तोता जिस प्रकार देखना, आप कभी भी कच्चे फल में मुंह नहीं मारता, तोता हमेशा पके हुए फल में ही चोंच मारेगा। उसी प्रकार एक श्रोता को होना चाहिए कि संसारिक बातों में ना लग के और भगवान की कथा रस का ही पान करे। और चार तरह की घटिया श्रोता वो भी बतला दो, चार तरह की घटिया श्रोता है। देखो पहला बतलाया बैल। आप एक बैल को अच्छे अच्छे फल दे दो या घास भूसा दे दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं मानता। तो उसी प्रकार घटिया श्रोता कैसे होते हैं कि उनको यदि संसार की चर्चा हो या फिर भगवान की कथा हो, दोनों को ही समान मानते हैं। तो बतलाया ये घटिया श्रोता है। दूसरा बतलाया भुरुंडू। ये एक पक्षी होता है जो कि हिमालय में रहता है। आप क्या करोगे, इस पक्षी को जैसी कथा सुनाओगे वो वैसा ही आपके सामने बोल भी देगा, रिपीट कर देगा, लेकिन अपने जीवन में कभी आचरण नहीं करेगा, उसका शब्द एक भी शब्द अपनाएगा नहीं। ऐसे ही कुछ कुछ श्रोता होते हैं, भैया कथा तो खूब गर्दन हिला हिला के सुनते हैं, बोले महाराज पूछते समझ में आ गई, बोले हाँ महाराज जी पूरा समझ में आ गया, लेकिन अपने जीवन में कभी अपनाना नहीं। भाग गुरु जी कहते हैं भैया तिलक लगाया करो, कंठी पहना करो, लेकिन फिर भी जब मंदिर आते हैं किसी के माथे पर तिलक है, किसी के माथे पर तिलक नहीं, गले में कंठी ली थी थोड़े समय बाद में उतर गई। इसीलिए कथा तो खूब सुनेंगे लेकिन जीवन में अपनाएंगे नहीं, बोले ये कथा भी कुछ काम की नहीं, ये भी घटिया श्रोता है। तीसरा बतलाया भेड़िया। भेड़िया कैसे, कहते हैं भेड़िया एक ही छोटे जाति का बाघ होता है,
ये क्या करता है, हिरण के ऊपर जब आक्रमण करेगा, जब हिरण कोई सुरीली शब्द सुन के और मुग्ध हो रहा हो, तो उस समय पर हिरण का ध्यान तो रहता है उस शब्द को श्रवण करने में, ये जाकर आक्रमण करता है और उसे मार देता है। ऐसे ही कुछ कुछ श्रोता क्या होते हैं, खुद तो कथा सुनते नहीं और पास में जो बैठा होता है उसको भी सुनने नहीं देते, उसी से तरह तरह की बातें करेंगे। बोले तेरे घर में क्या बना था, तुझे पता है वहां पर क्या हुआ है, कल पता है ऐसा हो गया था, तरह तरह से बातें कर करके और डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह से ये कनिष्ठ श्रोता, ये सारे घटिया श्रोता बतलाए हैं। उसी प्रकार चार तरह की कथा भी है, वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु भेद से लग गया प्रसाद, अब तो कीर्तन होगा ना, एक कीर्तन के बाद में आप लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रभु जी।